जब आपका घर टूटता है तो बहुत अफसोस होता है, लेकिन जब शहर में चर्चा होती है कि बड़े बड़े लोगों के घर तोड़े जाएंगे, दिखावा होता है या हकीकत, ये आपने कई पोर्टल्स पर देखा। एविक्शन ड्राइव शुरू हो गया है और एमजी हेक्टर को जो तोड़ा गया उसके बीच में स्टोन पैलेटिंग भी हुई। कुछ लोगों का कहना ये था कि वो न जाने कौन से होस्ट थे जिन्होंने ये पथराव किया। आखिरकार वजह क्या है? हमारे साथ बात करने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नज़ीर अहमद लावे हैं। सर, क्या लगता है आपको, जो एंटी एनक्रोचमेंट्स जम्मू कश्मीर में चल रही है वो सही चल रही है, सही मायनों में हो रहा है वो काम, या 70 साल से जो जम्मू कश्मीर था वैसे ही रहना चाहिए था? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है, इसकी हम मजम्मत करते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि इसको हम मजम्मत करते हैं। एक इंसान जो अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ करता है और मेहनत करता है, फिर एक घर बनाता है, छोटा बनाता है, अपने लेवल से कोई बड़ा बनाता है जी, लेकिन मेहनत करता है। बड़े लोगों का मुकद्दर भी कुछ होता है और वो जो 24 आवर्स मेहनत करते हैं, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में पूरी देखी है, जो बड़े लोग जिनको हम बड़े लोग कहते हैं वो बड़ी मेहनत भी करते हैं और फिर आपने अपने वो बनाते हैं। और बड़े लोगों में ये जो गलत फहमी है यहाँ जम्मू कश्मीर में, बड़े लोग छोटे लोग, जब बड़े लोग होंगे तभी छोटे लोग भी चलेंगे, जब लोगों के पास गुजारा होगा। मेरे कहने का ये मतलब है, जब लोगों के पास एवेन्यूज होंगे, इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे, तब जो छोटे छोटे गरीब लोग होते हैं, कोई पोछा करता है, कोई नौकरी करता है, कोई तब होना चाहिए। अगर ये बड़े लोगों पर ये ड्राइव होगा तो गरीब लोग तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन सरकार तो ये कहती है कि गरीबों को नहीं छेड़ा जाएगा। अब ये मगरमच्छ किसके लिए वो कहती है, ये तो साफ तौर पर कोई भी बात करना नहीं चाहता है, ना नाम लेना चाहता है। लेकिन अगर गरीबों के घर टूटते हैं तो मगरमच्छों के भी टूटेंगे, फिर गरीबों के, फिर तो ये पूरा मलबा ही मलबा जम्मू कश्मीर के अंदर देखा जाएगा। देखिए, जो बड़ी किसी बेरो किसी में लोग ज़्यादातर हैं वो यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग हैं ना जी, कोई जम्मू कश्मीर का ब्यूरोक्रेट नहीं ये नहीं कहता है, उसको भी तोड़ा जाता है। जम्मू कश्मीर का जो ब्यूरोक्रेट रहा है उसके घर भी तोड़े जा रहे हैं। जो यहाँ बेरो किसी चलाते हैं वो आउट ऑफ स्टेट है, वो जम्मू कश्मीर के लोग हैं नहीं, लिहाजा उनका कहना तो वो तो खुद कहते हैं। लेकिन जिसका घर तोड़ा जा रहा है, जिसके भाई का घर तोड़ा जा रहा है, जिसकी बहनों का घर तोड़ा जा रहा है, वो जानता है गोली जिसको लगती है उसी को उसका असर होता है। जो गोली चलाने वाला या जो गोली को चलती हुई देखने वाला उसको उतना जख्म नहीं लगता है, ये उस घर को लगता है जिस पर गोली लग जाती है, जिस पर टयू होता है, जिस पर नुकसान होता है। इसी को भी हाया हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग डेवलप होने चाहिए, हम लोग सब तरक्की करें। हम अब पॉलिसी ये है कि जो अमीर लोग हैं, जो गुजारे वाला जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है उनको ज़मीन पर लाना है। ये तो फिर मुझे लगता है कि कोई पॉलिसी है जम्मू कश्मीर के लोगों को तबाह करने की पॉलिसी जो है। लेकिन नज़ीर साहब, तरक्की की कोई बात करना ही नहीं चाहता है, रहबरे खेल से कोई बात करना नहीं चाहता है। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ, उत्तराखंड में भी एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो है चली है, वहाँ पर लाठी चार्ज हुआ लेकिन गोली नहीं चली। लेकिन जम्मू कश्मीर भाई एक ऐसी स्टेट से यूनियन टेरिटरी बनाई गई है जहाँ पर गोलियाँ चलती हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? लेकिन मैंने ड्राइव पर कभी गोलियाँ नहीं चलती देखा, मैंने अभी तक अभी तक नहीं सुना ये। आम लोग ये कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास माली स्ट्रेंथ है, और जो चुने हुए लोगों पर ड्राइव हो रहा है जी, है चुने हुए लोगों पर, लोग तो यहाँ बड़े गुजारे वाले हैं और जिन्होंने सरकारी लैंड जो उसको ये बोलते हैं सरकारी लैंड खाई है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर जो बिल्डिंग बनी है, जहाँ पर कॉलोनीज बनी है, जहाँ पर लोगों ने घर बनाए हैं, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, जैसे दिल्ली पैटर्न पर, जैसे बाकी बंगलोर के पैटर्न पर, उस तरीके से यहाँ रजिस्टर्ड क्यों नहीं हो जाती है? इतनी बड़ी मालियत लोगों ने खर्च कर दी है और मामूली जो लैंड उसके नीचे है उसको गवर्नमेंट को आग पे करना चाहिए, और गवर्नमेंट की जो रेट है उस हिसाब से गवर्नमेंट खजाने को भरना चाहिए, उनसे पैसा लेना चाहिए, उसके उसके में हक में हो। लेकिन किसी का घर तोड़ा जा रहा है, चाहे एक मरले पर है चाहे 20 मरले पर, उसका घर नहीं, उसके भी टोटली खिलाफ है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में रहने वाले हैं, एक पॉलिसी है यहाँ जो हजरात जो है वो नहीं कहते हैं कि यहाँ पर लार्नस ने जो लैंड फार्म्स की है तो वो लार्नस ने की है, उसके बाद किसी ने नहीं किया, हमारे महाराजा थे उन्होंने नहीं किया है। बाकी स्टेट्स में जो यहाँ अंग्रेज रहते थे, अंग्रेजों का जो लैंड फार्म्स है वो हमसे स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ हर एक इंसान के पास थोड़ी थोड़ी लैंड है, जो बीच में जो ने किया था कुछ लैंड टू टिलर, जो लोग नहीं बता रहे हैं लैंड टू टिलर, इसका मतलब है जो भी यहाँ जमीन काम करता था जमीन पर उसको लैंड है। जैसे जम्मू कश्मीर में हर एक अरबिन मजारिटी लोग जो है 95% उनके पास थोड़ी थोड़ी ज़मीन है, बड़े लोग यहाँ नहीं है जम्मू कश्मीर में, वो लैंड इतना ज़्यादा है नहीं जम्मू कश्मीर में, आबादी तो है लेकिन लैंड इतना नहीं है। जैसे अब उन लोगों को ही घर से उजाड़ भी घर कर दिया जाए तो उसके मैं मजबूत लोगों का कहना ये है कि 85%
85% सरकार ये कहती है कि लोग जो हैं खुश हैं इस ड्राइव से जो एंटी इंक्रोचमेंट चल रहा है जम्मू कश्मीर में, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द 15% है वो इसके खिलाफ है और निशाना सीधे बड़े बड़े मिनिस्टर्स पर है, क्या कहेंगे? देखिए ये प्रोपेगेंडा है, मेरे जहन में लगता है या तो हम अवेयर नहीं है या हमारे मेंटली जम्मू कश्मीर के लोग कम है। अगर किसी के ऊपर ड्राइव चल रहा है तो उसको हमने मजम्मत करनी चाहिए। मेरे घर के ऊपर ड्राइव नहीं चल रहा है, ये लोगों के ऊपर, मैं फिर तो 15% में, मैं ज़मींदार भी हूँ, मेरे पास हर कुछ चीज़ें हैं, मैं बिल्कुल वेल एस्टेब्लिश हूँ, लेकिन मेरे ऊपर सरकार ने कोई ड्राइव नहीं चलाया क्योंकि मेरे पास सरकारी लैंड है ही नहीं, मेरा कोई गलत काम है ही नहीं। जैसा आम लोग अगर किसी के खिलाफ है, किसी का मकान जल रहा है, वो बेवकूफ़ापन है, लेकिन या तो वो पागल है। जैसा क्यों हो हम जाए, अगर एक घर उड़ा उखाड़ा जाए जम्मू कश्मीर में किसी का घर, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो, मुझे उस पर मजम्मत करनी चाहिए। किसी का घर जो जिंदगी है पूरी जिंदगी 70 साल लगाता है फिर एक अशारा बनाता है, क्या हम अपने आंखों के सामने उसको दबे हुए देखेंगे? ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई कहता है ये तो प्रोपेगेंडा होगा, अदरवाइज 99% लोग जो है वो खिलाफ होंगे, मुझे नहीं लगता 1% भी इसके साथ होगा। नज़ीर साहब, जैसे आपने कहा कि 70 साल लगाता है आशियाना बनाता है, 70 साल उसे हुकूमतें आई, 70 सालों से हुकूमतों ने अपना आशियाना बनाया, लोगों के बारे में सोचा नहीं, नई बस्ती जाकर बात करते या सुनझुआ बठिंडी के लोगों से बात करते, वो कहते कि हमें रात में नींद नहीं आती है, हमें ये नहीं पता है कि बिल्डोजर कब आएगा चलेगा, तो क्या लगता है आपको कि अब जिन मिनिस्टर्स पर बारी आ रही है, जिनको मगरमच्छ कहा जा रहा है, क्या उनको भी रात में नींद नहीं आती होगी? देखो अगर किसी को खामा खत्म किया जाता है वो नींद कैसे आएगी? वो नेचर है इंसान का। अगर किसी को भी मामूली नुकसान हो, अगर 1 रुपया हमको कोई छीन लेगा, अगर हम 1 लाख रुपया दिन को खर्च करेंगे उसका हमें अफसोस नहीं है, लेकिन अगर 1 रुपया हमसे छीना जाएगा तो हमें उसका दुख होगा और हमको भी उस चीज़ का दुख होना चाहिए। लिहाजा कुछ चीज़ें होनी चाहिए, कुछ नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो लोगों के हाथ में है, लोगों को फैसला करना है उसके मामले में, लेकिन गलत चीज़ कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन लोगों के हाथ में कुछ है ही नहीं, लोगों की कोई बात सुन ही नहीं रहा है, सिर्फ इतना हो रहा है जब बात करना चाहते हैं तो भीड़ सामने आ जाती है, फिर बैरिकेड्स लग जाते हैं, तो उसके बाद जब बिल्डिंग गिर जाती है उसके बाद लोगों को छोड़ा जाता है। इसके एक इलाज है सरकार यहाँ होनी चाहिए, जिसकी हम बार बार कहते हैं कि यहाँ लोगों की सरकार होनी चाहिए जी, ताकि लोगों का पावर बढ़ जाएगा और लोगों का एक रास्ता बन जाएगा। हम इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बार बार कोशिश करते हैं कि लोगों को अपनी सरकार दी जाए, ताकि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को कहेंगे। आजकल जम्मू कश्मीर में वो है ही नहीं, लोग परेशान हैं, जाएंगे किसके पास? सुनने वाला, ये सच है, सुनने वाला कोई नहीं, लेकिन पिछले 70 साल में जो मैंने देखा है, जो मैंने सुना है कि जम्मू कश्मीर में तरक्की हो गई है, चाहे कोई डेवलपमेंट हो चाहे लोगों की डेवलपमेंट हो, उसमें तरक्की हो गई। सरकारों ने, जो भी सरकार यहाँ आई उसने अपने तरीके से काम किया। अगर तरक्की हुई है 2012 से लेकर 2010 से हम बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के अंदर डेंटल की पोस्ट नहीं आई है, डेंटल सर्जन की पोस्ट नहीं है 15 सालों से जम्मू कश्मीर के अंदर। हाँ कुछ चीज़ें देखिए, कुछ चीज़ें नहीं हो सकती हैं वक्त से पहले, क्योंकि गवर्नमेंट को देखना है, गवर्नमेंट का बजट होता है। डेंटल हॉस्पिटल अभी अवेलेबल यहाँ नहीं है, ये सच है। जो डेंटल ग्रेजुएट हैं, जो यहाँ डॉक्टर्स हैं, उनकी बात कर रहे हैं। अंतला में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है डेंटल का, उसमें कितने जाएंगे? हज़ारों लोग, हमारे हज़ारों बच्चे हैं जी, बिल्कुल। मेरे गाँव में 10-5 लड़के हैं जो जिन्होंने डेंटल सर्जन का मतलब ट्रेनिंग की। एक हॉस्पिटल श्रीनगर में है, एक हॉस्पिटल यहाँ है। मेरी सरकार से कोशिश है, हमने पहले भी कहा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट या डिस्ट्रिक्ट सेंटर में या लोकल जो मतलब गाँव में जो सेंटर होते हैं उसमें एक एक डेंटल भी साथ होना चाहिए। वो बड़ा मुश्किल है अभी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास शायद मुझे लगता है अभी ये गवर्नमेंट का काम होता है, प्लानिंग सिस्टम होता है। प्लानिंग में क्या है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो फंड्स आते हैं उसमें होता है, इसमें वो सिस्टम है। ये आपने सिर्फ सच कहा कि इसकी कमी है हमारे जम्मू कश्मीर में। तो आप इलेक्शन, आपको लगता है कि इलेक्शन जम्मू कश्मीर के अंदर होंगे जिस तरीके के हालात इस वक्त जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं? इलेक्शन कभी भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जा सकती है, इलेक्शन कभी जा सकती है, ये तो पता नहीं क्यों नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर इलेक्शन कभी भी हो सकता है, पिछले साल नहीं हो गए, 2 साल पहले भी हो गए, पंचायत के इलेक्शन हो गए, DDC के इलेक्शन हो गए। जैसा अगर सरकार चाहेगी तो कभी भी हो सकते हैं, अगर सरकार की नीयत ठीक है। अगर सरकार की ठीक नहीं है तो मैं क्या कहूँ? लोगों का कहना ये था कि जब DDC के इलेक्शन हुए तो पार्टीज का एक्चुअल मैच दारोमदार कितना है, किस किस जगह पर, वो चेक करने के लिए था, जिसमें कई पार्टीज जो है भारतीय जनता पार्टी ने ले ली। तो इसका मतलब ये है कि अब आप अपोज करेंगे भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी कराना ही नहीं चाहे जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन अगर नहीं होते हैं तो सिलसिला यूं ही बरकरार रहेगा? देखिए जब सरकार होती है मुल्क में, उसकी पॉलिसी होती है, हम न BJP के खिलाफ है, ना कांग्रेस के खिलाफ है, ना किसी के खिलाफ। लोगों का मैंडेट है, लोगों को फैसला करना है किसके,
लोगों ने फैसला किया कि हमारे मोदी जी दूसरी बार भी प्राइम मिनिस्टर आ गए हैं। ये मेरे हाथ में फैसला नहीं है, आपके फैसला नहीं है, बिल्कुल ये मुल्क के लोग जानते हैं, वो इस फैसले को सही तरीके से करते हैं। ऐसे हमने ये कहना है, हमारा कहना ये है कि जम्मू कश्मीर में जितने जल्द इलेक्शन हो जाए उतने लोगों को रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे, ताकि वो उन रिप्रेजेंटेटिव के जरिए से काम कराएंगे और गवर्नमेंट के सामने वो प्रोजेक्ट रखेंगे। जैसे आपने कहा कि डेंटल सर्जन यहाँ नहीं है, डेंटल फैसिलिटी कहीं भी नहीं है, ये सच है, गाँव में भी नहीं है और डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं है। उसके लिए गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट लेके आया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दे ताकि वो सेंक्शन हो जाए और लोगों में, जैसे वो हर अस्पतालों में वो NRHM की स्कीम जो थी, वो ऐसी स्कीमें बहुत सी हैं, उस तरीके से एक स्कीम होनी चाहिए ताकि गाँवों के हॉस्पिटल्स में, डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं या ब्लॉक्स में नहीं है, ताकि गाँवों में भी एक डेंटल बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है। ये अच्छा अच्छी बात कही, ये तब ये चीज़ जब जब मुमकिन होती है, जब हमारा इलेक्टेड मेडिकल हेल्थ मिनिस्टर होगा, बिल्कुल जब कोई रिप्रेजेंटेटिव हमारे होंगे, हमारे चीफ मिनिस्टर होगा, उनके नोटिस में ला सकते हैं, ये इजी हो सकता है। जैसे सरकार में, सरकार जब लोगों की सरकार होती है, कुछ चीज़ें बहुत इजी लगती हैं और वो इम्प्लीमेंट भी अनग्राउंड होते हैं। चौधरी लाल सिंह भी जो है वो भी ये मिनिस्टर रहे, हेल्थ मिनिस्टर रहे, उसके बाद बाली भगत भी मिनिस्टर रहे, हेल्थ मिनिस्टर, लेकिन वो 15 सालों में वो एक पोस्ट भी लिया पाए जम्मू कश्मीर के अंदर। तो अब आपको लगता है कि अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो आप डेंटल के जितने भी बच्चे, लगभग ज्यादा नहीं, अप्रॉक्स अगर हम बात करें तो लगभग 12-13 हज़ार बच्चे जो हैं वो डेंटल इसके हैं पोस्ट के, तो क्या लगता है आपको कर पाएंगे? देखिए मैं पूरी लाइफ में रहा हूँ मुफ्ती साहब के पीछे पीछे जी, पूरी लाइफ, जब से मैं पैदा हूँ तो पूरी लाइफ में मुफ्ती साहब के साथ हम उस पर ट्रस्ट थे और उसके ख्याल भी ऐसे ही थे जैसे आप बता रहे थे। उनके उन्होंने जो काम किए हैं वो अनग्राउंड भी हो गए, इसके लिए लीडरशिप भी होने की ज़रूरत है। बिल्कुल, हमारे जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ी चीज़ है जो लीडरशिप होनी चाहिए, जो लीडरशिप डील करेगी मतलब सारे प्रॉब्लम्स को, जम्मू कश्मीर को। लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगता है कि किसी कोई लीडरशिप आगे आती है ताकि लोगों को लगे कि ये मास लीडर है, जैसे मुफ्ती साहब थे उससे पहले शेख साहब थे, तभी लोगों को वो नहीं लगता है। ऐसा इन चीज़ों के लिए मास लीडर की ज़रूरत होती है। अल्लाह, मैं अल्लाह से दुआ करूँ कि कोई मास लीडर आए, जैसे मेरे, मैं जिस लीडर के साथ हूँ लोन साहब, मैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस में हूँ, मैं चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर का CM लोन साहब बने, क्योंकि जो जो मैंने उसके साथ काम किए कुछ टाइम, कम टाइम में, उसके ख्याल अच्छे हैं, उसके प्रोजेक्ट माइंड, उसके दिमाग में जो ख्याल हैं, जो आपने कहा ये चीज़ें उसके दिमाग में है, डेवलपमेंट कैसे होगी, एक लीडर जो लीड करता है कौम को, उसके जहन में ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होनी चाहिए और वो इंटेलिजेंट भी होनी चाहिए। मुझे लगता है जिस लीडर के साथ हूँ मैं वो इंटेलिजेंट। नज़ीर साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा, आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, जब भी इलेक्शंस आते हैं मैनिफेस्टो तैयार होता है, मैनिफेस्टो में कई सारे वादे होते हैं, फ़लां चीज़ करेंगे, फ़लां चीज़ करेंगे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की जब बारी आती है तो मुझे लगता है कि इम्प्लीमेंटेशन में शायद चूक हो जाती है। नहीं नहीं, ये तो गलत है आपका कहना, ऐसी था इतफाक़ नहीं करता हूँ। जो जो सरकार के पास चीज़ें होती हैं वो इम्प्लीमेंटेशन होती है जी, कभी कारण ये होता है कि सरकार के हाथ में कुछ चीज़ें, जो इम्प्लीमेंट करने वाले एजेंसी होते हैं उनके हाथ में कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। क्योंकि मैंने पूरा इसका सिस्टम देखा, मैं पार्लियामेंट में रहा हूँ 6 साल और ये आप हैरान हो जाएंगे कि मैं जम्मू कश्मीर का वो MP हूँ जिसने एक भी सिटिंग मिस नहीं की है, इस तरह से मेरा तजुर्बा है। और जहाँ भी हमारी मीटिंग होती थी उसमें मैं जाता हूँ, उस हिसाब से मैं अपने तजुर्बे के हिसाब से मैं ये चीज़ें कहता हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं जो सरकार या जो कोई पार्टी अपना मैनिफेस्टो बनाती है वो चाहती है, वो पूरे इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं, वो एक लाइन रखते हैं, लेकिन उसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, अगर 50% इम्प्लीमेंटेशन, वो हमारी शान की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद तो यही रहेगी कि जम्मू कश्मीर की हवा जो है वो बदल जाए, रुख बदल जाए। ये जो आप जगह जगह धरने देख रहे हैं, शोर देख रहे हैं, चिल्लाहट देख रहे हैं, ये खुशियों में चेंज हो जाए, बदल जाए, डिटेंशन से और डिमोलिशन ड्राइव जो है जिस तरीके से नज़ीर साहब ने हमसे बात की तो वो आपने सुन लिया। और कल की जो हम खास बात करेंगे, जो हिंदू की सैलरीज के मसले में बहुत सारे बच्चों को जो है डिटेन किया अंदर, उसके बाद भी सरकार टस से मस नहीं हो रही, आखिरकार असेंबली इलेक्शन सरकार कराना चाहती है या नहीं, और अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव मिल जाता है, कहीं सरकार को ये तो नहीं महसूस हो रहा कि उनका नंबर जो है, पत्ता जो है, वो कट चुका है जम्मू कश्मीर के अंदर, इसलिए असेंबली इलेक्शन को जो है बार बार एक्सटेंशन मिल रही है। बने रहिए आकिब आफ्ताब के साथ और देखते रहिए कश्मीर क्राउन।
Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling, visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. For more info, call on 9469 888 333.